प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब किसी रिश्ते की डोर एक दूसरे से इतनी उलझ जाए तो उसे सुलझाने के लिए दो प्यार करने वाले उस प्यारे एहसास से दूर होने लगे, तब ये खूबसूरत एहसास भी एक घिनौना मोड़ ले लेता है। और ऐसी ही एक अजीब दास्तां लेकर आए हैं हम हमारी अधूरी कहानी में। करण पटेल और काम्या पंजाबी टेलीविजन इंडस्ट्री के दो बहुत ही नामी चेहरे हैं, लेकिन जितने बड़े इनके नाम हैं, उसे कहीं ज्यादा छोटा इनका प्यार का सफर था। करण और काम्या मिले एक पार्टी में इंडस्ट्री के कॉमन फ्रेंड्स के जरिए। पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बने। दोनों के दिल इस कदर जुड़े कि बिना ज्यादा सोचे करण और काम्या एक दूसरे को डेट करने लगे। भले ही दोनों ने काफी समय तक अपने इस रिश्ते को मीडिया की नजरों से छुपा के रखा, लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं। बहुत जल्द ही करण और काम्या के रिश्ते की सच्चाई आ गई सबके सामने। बॉक्स क्रिकेट लीग के एक सीजन में करण और काम्या एक ही टीम में थे, और उसके प्रोमो में करण ने खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर काम्या को अपनी गर्लफ्रेंड का टैग दिया। और जैसे ही फैंस को करण और काम्या के रिश्ते के बारे में पता चला, उनके दिल जैसे टूट ही गए, क्योंकि उसी दौरान करण और दिव्यांका का सुपरहिट सीरियल यह है मोहब्बतें लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुका था। इसीलिए फैंस ने काफी ही स्ट्रेंज तरीके से इस न्यूज पर रिएक्ट किया, और वो काम्या के बारे में बुरी बातें करने लगे, जैसे कि काम्या एक डिवोर्सी है और उन्हें करण के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। और तो और फैंस ने यहाँ तक कह दिया कि करण ने दिव्यांका को चूज करना चाहिए था, काम्या को नहीं। जिसके बाद काम्या के पेशेंस ने जवाब दे दिया और उन्होंने मीडिया में आकर कहा, What is between Karan and me is purely between us and we don't owe anybody any explanation. Had the fans asked us the same question with respect, I might have revealed as you know I'm quite bindas, but not in this way. My poor daughter does not know anything. This is unacceptable and I will not tolerate it. I'm a mother and will do whatever it takes to protect my daughter. Any mother worth her salt will understand what I'm going through. और करण ने अपने प्यार का पूरा पूरा साथ दिया इस मुश्किल घड़ी में, जिसे सुनकर सभी फैंस को क्या, उनके काफी इंडस्ट्री फ्रेंड्स का भी मुंह बंद हो गया। Whatever is between me and Kamya, whether we are friends or more than that, is between us. Why should anybody else have an issue? Had they been real fans, they would have supported us. I think the best thing would be to filter these bad apples out. Why drag in a 5-year-old into something like this? If you really want to argue, take on somebody your size. ये सुनकर और देखकर सबको ये यकीन हो गया था कि करण को अपनी जीवन साथी मिल गई है, और काम्या भी करण के साथ अपना फ्यूचर देखने लगी थी, क्योंकि जिस तरह करण ने काम्या को एक्सेप्ट किया और उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी ख्याल रखा, वो शायद कोई सच्चा प्यार करने वाला ही कर पाता। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का प्यार इस कदर गायब हो गया? इन दोनों का ब्रेकअप बड़ा ही अनोखा ब्रेकअप था, जहां दोनों के पास बताने के लिए अलग अलग कहानी थी। इनका एग्जैक्टली ब्रेकअप कब हुआ वो भी किसी को ठीक से पता नहीं इनके अलावा, लेकिन खबरों की माने तो दोनों साल 2014 दिसंबर से 2015 जनवरी के बीच अलग हुए। अब इस ब्रेकअप की दो वजह सामने निकल आई है। काम्या से जुड़े सोर्सेस की माने तो करण काम्या को प्रत्यूषा के साथ टू टाइम कर रहे थे। लेट एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी करण पटेल को काफी पसंद करने लगी थी और करण भी उनमें इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, लेकिन ऐसी चीजें कहां ज्यादा दिन तक छुपी रहती है। काम्या को एक दिन करण और प्रत्यूषा के बारे में पता चल गया, और फिर उन्होंने प्रत्यूषा और करण के सामने इस बात का जिक्र किया और दोनों से सफाई मांगी, जिसके बाद काम्या और प्रत्यूषा के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन मीडिया में दोनों ही एक्ट्रेसेस ने कभी भी इस बात को सामने नहीं आने दिया, भले ही करण ने उस वक्त काम्या को ये भरोसा दिला दिया कि उनके और प्रत्यूषा के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके रिश्ते की दरार आना वहीं से शुरू हुई। काम्या के एक बहुत ही करीबी दोस्त ने भी करण के बारे में कुछ खुलासे किए। करण ट्राई टू हिट ऑन मी टू, नेचुरली आई टोल्ड काम्या, बिलीव इट और नॉट, देयर वर नाइट्स व्हेन वी डिडंट नो वेयर ही वाज, हु वाज ही विद। जैसे जैसे समय बीता, दोनों के बीच के झगड़े भी बढ़े, और एक रात फाइनली करण ने नशे की हालत में एक वीडियो बनाकर काम्या को भेजा, जिसमें उन्होंने कहा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। और इस वीडियो के 3 दिनों बाद करण ने अपनी और अंकिता की शादी अनाउंस कर दी, जिसकी खबर सुनकर काम्या को क्या, करण के फैंस भी चौंक गए।
काम्या के उस करीबी दोस्त ने एक और खुलासा किया। बिलीव इट और नॉट, एलिगोनी होम काम्या कॉल्स एज हर ब्रदर स्टैब्ड हर इन द बैक व्हिच ओनली एडेड सॉल्ट टू हर वुंड। एली प्लेड क्यूपिड बिटवीन करण एंड अंकिता एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू मीट काम्या ही यूज्ड टू गिव हर अ शोल्डर टू क्राई ऑन। इस ब्रेकअप के बाद काम्या काफी समय तक डिप्रेशन में थी, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह उन्होंने 3 महीने बाद मीडिया को फेस किया और सबके सामने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। काम्या पंजाबी's life is not limited by Karan Patel. What Karan did, does and will do is his business, not mine. If people want to cheat, they will cheat. But according to me, there was nothing between Karan and Pratyusha. I think a dead person deserved more respect than this. ये तो था काम्या का वर्जन कि आखिर उनका और करण का रिश्ता क्यों इस तरह रातों रात खत्म हो गया। लेकिन करण के मुताबिक उन्होंने काम्या से ब्रेकअप फैमिली प्रेशर में आकर किया, क्योंकि करण की फैमिली को काम्या पसंद नहीं थी। वेल, इस पूरे ब्रेकअप की कंट्रोवर्सी में करण की वाइफ अंकिता भी करण का साथ देते नजर आई थी। इट्स नॉट लाइक आई एंटर्ड इन करण्स लाइफ एंड ही डिसाइडेड टू ब्रेक अप विद काम्या। दे पार्टेड वेज इन डिसेंबर लास्ट ईयर, आफ्टर व्हिच करण वाज लुकिंग टू सेटल डाउन एंड सो वाज आई। आवर फैमिलीज मेट इन जनवरी। करण एंड आई इंटरेक्टेड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एंड वी जस्ट कनेक्टेड इंस्टेंटली एंड थॉट वी शुड मैरी ईच अदर। और फिर अंकिता और करण की शादी हुई 3 मई 2015 में। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक बात तो साफ है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, क्योंकि बॉक्स क्रिकेट लीग के प्रेस मीट के दौरान काम्या ने करण के बारे में पूछे गए सवालों का कुछ इस तरह जवाब दिया। यस, करण एंड आई आर नो मोर टुगेदर, बट ही विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। आई हैव ऑलवेज बीन ओपन अबाउट माई लव फॉर करण। माई लव डजंट चेंज विद सीजंस। ऑफ कोर्स आई नो दैट ही इज मैरिड एंड आई डोंट इवन विश टू हैव हिम बैक इन माई लाइफ। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगिव हिम फॉर ब्रेकिंग माई ट्रस्ट एंड हार्ट। और इसके जवाब में करण ने कहा, आई रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स व्हेन दे से दे लव मी, बट इट इज कम्प्लीटली देयर चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन एंड आई एम एलियन टू इट। पीपल हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, बट दैट्स इट। आई वाज नॉट देयर व्हेन काम्या सेड ऑल दिस, बट आई विल मेंटेन दैट शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। शी इज अ गुड फ्रेंड टू एंड आई विल ऑलवेज रिमेन कॉर्डियल विद हर। आई विश ऑल द बेस्ट टुडे फॉर हर क्रिकेट टीम एंड फॉरएवर इन लाइफ। भले ही करण और काम्या आज अपनी जिंदगी में सफल है और मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन इस अधूरी कहानी का एहसास हमेशा के लिए इनके दिलों में घर कर गया होगा और एक दूसरे के जहन में दोनों कहीं ना कहीं बस जरूर गए होंगे।